जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम्पायर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद को, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए एक क्लास रात्रि में 10 बजे लाई जाती है और आप सभी के लिए हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है, मात्र 100 रुपए की ये पीडीएफ मिलेगी, जिसमें हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य पद्य साहित्य के 3000 प्रश्न होंगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966, तो इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा और ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं प्रगतिवाद से संबंधित, और सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रगतिवाद की जो सर्वमान्य समय सीमा है वह क्या है। सर्वमान्य यानी कि जो सही मानी जाती है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। प्रगतिवाद की सर्वमान्य समय सीमा कौन सी है जो सभी मानते हैं, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अधिकतर विद्वान जो मानते हैं वह क्या मानते हैं, कब से कब तक, ये चयन करना है। क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर दिया गया है। एक में आप सभी का सही आंसर है पुष्पराज जी, रामेंद्र जी, अर्चना जी, आप सभी के यहाँ पर कमेंट देख रहा है। विकल्प नंबर सी सभी लोग सही आंसर चयन कर रहे हैं कि प्रगतिवाद की जो समय सीमा मानी जाती है वह मानी जाती है 1936 से 1943 ईस्वी। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, 1936 से 1943 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। प्रगतिवाद शब्द की प्रथम प्रयोक्ता कौन मानी जाती है, प्रगतिवाद शब्द की प्रथम प्रयोक्ता आप सभी के लिए यहाँ पर दो में चयन करना है। निराला है, रामधारी है, दिनकर है, रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और दो में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह माने जाते हैं कौन, कीर्ति जी। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध माने जाते हैं। प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं, मुक्तिबोध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पर दिया है, प्रगतिवादी संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में यानी 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ था। कथन किस आलोचक का माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सेन, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, तीन में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर तीन में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सही आंसर आ रहा है यहाँ पर, विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर यानी कि डॉक्टर नगेंद्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये कथन किन का है, डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन माना जाता है। प्रगतिवादी संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ था, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, यह कथन किस आलोचक का माना जाता है, वह आलोचक आप सभी के लिए चयन करना है। रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मुकुटधर पांडे हैं या फिर नंद दुलारी वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर चार में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है बताइएगा, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, कथन के आलोचक का माना जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चार में मुकुटधर पांडे नहीं होंगे, यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी होंगे सही आंसर। क्या है सही आंसर, नंद दुलारी वाजपेयी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नंद दुलारी वाजपेयी आप सभी का सही आंसर है। स्मित जी, कुलदीप जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, पांच महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी ये बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर पांच में सही आंसर है 1935 में, 1939 में, 1937 में, 1938 में। क्वेश्चन नंबर पांच में सही आंसर क्या होगा, कल्पना जी, एम एस वर्मा जी, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई।
तो पांच में आप सभी का सही आंसर है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1935 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ए वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था बताइएगा? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, कब हुआ था ये बताने, 1935 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1938 में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था ये बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1936 में। 1936 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है 1936, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1936 आप सभी का सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया गया है, 7 में आप सभी के लिए बताना है प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा पत्र का सारांश किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, वह पत्रिका बताना, जागरण पत्रिका थी या फिर मतवाला या फिर सुधा या फिर हंस, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 है और 7 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, हंस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर दीपक जी? हंस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के 1938 ईस्वी में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है 1938 में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का, इसमें अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की, महात्मा गांधी ने, प्रेमचंद जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मुल्क राज आनंद जी ने, क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 8 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, 9वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। पेरिस में प्रोग्रेसिव होगा, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 में चयन करना है। बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग इस क्लास को शेयर भी करते जाइएगा, नए नए क्वेश्चन आप सभी के लिए इस क्लास में लाए जाते हैं। 1936, 1935, 1934, 1933 क्या है सही आंसर रमा जी? पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो आप सभी का सही आंसर है 9 में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर है, 1935 में। कब हुआ था? 1935 यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी की विशेषता नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मार्क्सवाद एवं साम्यवाद का समर्थन, ठोस यथार्थ का चित्रण, युगानुकूल परिवर्तन एवं नव निर्माण की उत्कट लालसा या फिर अलंकारिक भाषा प्रयोग एवं प्रबंध काव्यों की रचना, इनमें से आप सभी के लिए बताने प्रगतिवादी की जो विशेषता नहीं है वह कौन सी नहीं है बताइएगा। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, 10वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि अलंकारिक भाषा प्रयोग एवं प्रबंध काव्यों की रचना, ये जो है प्रगतिवादी की विशेषता नहीं मानी जाती है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है, 11 में बताना है किस आलोचक ने रामेश्वर करुण द्वारा रचित करुण सतसई को प्रगतिवादी काव्य की प्रथम रचना मानी है, वह कौन आलोचक थे ये आप सभी के लिए बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, मोहन अवस्थी, क्या होगा सही आंसर?
कौन से वह आलोचक थे, किस आलोचक ने रामेश्वर करुण द्वारा रचित करुण सतसई को प्रगतिवादी काव्य की प्रथम रचना मानी है, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर है, गणपति चंद्रगुप्त, आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है भाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गणपति चंद्रगुप्त, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस आलोचक ने पंत द्वारा रचित युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है, वह आलोचक बताने नामवर सिंह हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं, बारे में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। किस आलोचक ने पंत द्वारा रचित युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बात नहीं करिएगा, सभी लोग आंसर बताते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 12 और 12 में आप सभी का सही आंसर है डॉक्टर बच्चन से, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला जो विकल्प है भाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर बच्चन से, आप सभी का सही आंसर होगा। विशाल भारत में 1937 ईस्वी में प्रकाशित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के रचनाकार कौन माने जाते हैं, 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, शिवदान सिंह चौहान या फिर केदारनाथ अग्रवाल, बताइएगा नीरू जी, पंकज जी, क्या होगा सही आंसर। विशाल भारत में 1937 ईस्वी में प्रकाशित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के रचनाकार हैं कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, शिवदान सिंह चौहान आपका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन है कि किस प्रगतिशील पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित पंक्तियां अंकित रहती थी, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पंक्तियां देख लीजिएगा क्या दी गई है, देख रहे हो गगन मृत्यु नीलमा नील गगन, देखू भू को स्वर्णिम भू को मानव पूर्ण प्रसू को, ये बताना है ये पंक्तियां जो है किस प्रगतिशील पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर ये पंक्तियां अंकित रहती थी, रूपा, वहंस, विशाल भारत, मतवाला, 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 14 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, सगुन जी बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा रूपाव, विकल्प नंबर ये वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा रूपाव, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रूपाव होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, 15 में क्या चयन करना है कि चरर मरर जा रही बैलगाड़ी 1939 ईस्वी में प्रकाशित इस प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता के रचनाकार कौन है, 15 में चयन करना है, रांगी राघव हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन जी हैं, कौन मानी जाती हैं, ये आप सभी के लिए बताना है, चरमर चू चरर मरर जा रही भैंसा गाड़ी है, बैलगाड़ी नहीं भैंसा गाड़ी, 1939 ईस्वी में प्रकाशित इस प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता के रचनाकार कौन मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा, कौन मानी जाते हैं, भगवती चरण वर्मा आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भगवती चरण वर्मा होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है, 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है, यह कथन किसका माना जाता है, 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 16 में आप सभी का सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर प्रेमचंद, क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, 16 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, नीरू जी, संध्या जी, माही जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ डी वाला जो विकल्प है
भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रेमचंद है। प्रेमचंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। प्रेमचंद जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। 17 में सही आंसर बताइएगा, केदारनाथ अग्रवाल है, मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, त्रिलोचन है, कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 में नागार्जुन, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कौन, नागार्जुन, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। कुलदीप जी, दीपक जी, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुक्तिबोध के जन्म एवं निधन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, किनका जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था मुक्तिबोध जी का। पारो जी, चंचल जी, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। मुक्तिबोध के जन्म एवं निधन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और 18 में आप सभी का सही आंसर होगा, 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था कब, 1917 में, 1917 में इनका जन्म हुआ था, 1964 में इनका निधन हो गया था, तो बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 है, कि मुक्तिबोध के संदर्भ में असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 19 में, बताइएगा। ये आत्म मंथन के कवि हैं, इनकी कविताएं प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का रासायनिक मिश्रण है, ये गहरे अंतर्विरोध एवं विशिष्ट मानवीय अभिप्राय के कवि हैं, इनकी कविताओं में व्यष्टि भाव की प्रधानता है। तो 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि मुक्तिबोध के संदर्भ में असत्य कथन आप सभी के लिए बताना है, तो असत्य कथन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है, तो डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। इनकी कविताओं में व्यष्टि भाव की प्रधानता है, ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि इनकी कविताओं में समष्टि भाव की प्रधानता है, व्यष्टि भाव की प्रधानता नहीं है, तो डी वाला विकल्प याद रखिएगा, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 दिया गया है, कि मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का धक्का इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 दिया गया है, 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। चार विकल्पों में से आप सभी के लिए चयन करना है, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सैन, नामवर सैन, डॉक्टर नगेंद्र, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का धाकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है। तो सही आंसर है अंतिम जी, अंजलि जी, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला यानी कि शमशेर बहादुर से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शमशेर बहादुर से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, 21वां क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की रचना चांद का मटेड़ा है का प्रकाशन बताइएगा, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चयन करना है सभी के लिए, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी का बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि 1964 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, 1964 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 1964 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, मुक्तिबोध की एक रचना भूरी भूरी खाक धूल का प्रकाशन वर्ष बताइएगा, भूरी भूरी खाक धूल का प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है,
क्या माना जाता है, चयन करिएगा 1973 है, 1984, 1980, 1956, ये चार विकल्प दिए गए हैं। तनु जी और आनंद जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 22 में, मुक्तिबोध की रचना है, भूरी भूरी खाक धूल का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला, जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है, 1980 माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, भूरी भूरी खाक धूल, किन की रचना है, मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का, यहाँ पर दिया गया है 23वां क्वेश्चन, मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में के कितने खंड हैं, अंधेरे में के कितने खंड हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा 6, 7 या फिर 8 या फिर 9। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 23 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में के कितने खंड हैं, अपन ने याद किया था अंधेरे में किन की रचना है, मुक्तिबोध, अंधेरे से मुक्ति मिल गई तो मुक्ति से मुक्तिबोध और अंधेरे से अंधेरे में, और इसमें कितने खंड हैं, तो आप सभी का सही आंसर है 8 खंड हैं, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 दिया गया है, 24 में आप सभी के लिए बताना है क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल जी के जन्म एवं निधन वर्ष बताना है, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था और इनका निधन कब हुआ था, गौरव पंडित जी बताइएगा क्या है सही आंसर। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म और निधन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये बताना है, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है 24 में, आप सभी का सही आंसर है कि इनका जन्म तो हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था 1911 में, कब हुआ था इनका जन्म 1911 में, निधन कब हुआ था 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, किनका, केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केदारनाथ की कौन सी रचना और उसका प्रकाशन वर्ष जो है सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है, कहें केदार खरी खरी 1981, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, पुष्प दीप 1994, बताइए कल्पना जी, प्रमोद जी, यहाँ पर आपके लिए बताना है केदारनाथ जी की रचना का प्रकाशन वर्ष जो है सुमेलित नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, 25वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर ए वाला विकल्प होगा सही आंसर, कहें केदार खरी खरी, क्योंकि इसका प्रकाशन 1981 नहीं माना जाता है, क्या माना जाता है, कहें केदार खरी खरी 1983 इसका प्रकाशन माना जाता है, याद रखिएगा 81 नहीं है, तो ये वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया है 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, नहीं बताना है, गुल मेहंदी या फिर जमुन जल तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं या फिर भस्मानकुर। लाइक करते जाइएगा सभी लोग वीडियो को, जिन्होंने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है लाइक करते जाएं, और क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, तो 26 में आप सभी का सही आंसर है केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं बताना है, तो नहीं में तो आपका डी वाला विकल्प सही आंसर है, भस्मानकुर, क्या है सही आंसर, भस्मानकुर आपका सही आंसर, बता दीजिएगा किन की रचना मानी जाती है भस्मानकुर, कमेंट में आप ही बता दीजिएगा ये रचना किन की है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 27वां क्वेश्चन है, भस्मानकुर रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 है, केदारनाथ अग्रवाल को 1986 ईस्वी में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आप सभी के लिए बताना है, नागार्जुन की रचना मानी जाती है कौन सी, भस्मानकुर, किन की रचना है, नागार्जुन जी की रचना मानी जाती है, याद रखिएगा नागार्जुन जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है भस्मानकुर, और केदारनाथ अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कब मिला था 1986 में, किस रचना पर मिला था, मार प्यार की तापें, अपूर्वा, बोल बोल अबोल या फिर जो सलाएं तोड़ते हैं, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है अपूर्वा होगा सही आंसर, बी वाला विकल्प,
क्या है सही आंसर? अपूर्वा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर दो जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अपूर्वा सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। निम्नलिखित में से केदारनाथ अग्रवाल की कविता नहीं है, कौन सी नहीं है? केन किनारे पलथी मारे, या फिर चंद्र गहना से लौटती बीर, या फिर बसंती हवा, या सोच समझ कर चलना होगा। इनमें से आपके लिए क्या बताना है, बताइएगा कि जो केदारनाथ अग्रवाल की कविता नहीं है वह कौन सी नहीं है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का सही आंसर है सोच समझ कर चलना होगा। ये किन की रचना मानी जाती है? ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, सोच समझ कर चलना होगा त्रिलोचन की रचना है। किन की रचना है? त्रिलोचन की रचना है, सोच समझ कर चलना होगा, तो त्रिलोचन बिल्कुल सही आंसर है, त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन जी का जन्म है और निधन वर्ष आप सभी लोग बताइएगा। 1917 में इनका जन्म, 2005 में निधन, 1917 में जन्म, 2006 में निधन, 1917 में जन्म, 2007 में निधन, या फिर 1917 में जन्म, 2008 में निधन। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है, त्रिलोचन के जन्म और निधन वर्ष में आपके लिए बताना है कौन सा सही विकल्प होगा, ये चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि इनका जन्म तो हुआ था 1917 में और निधन हुआ था 2007 में। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है, किसने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है? क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए चयन करना है कौन है भाई, नामवर सिंह है, मुक्तिबोध है, अज्ञेय है, रामविलास शर्मा है, कौन है भाई, चयन करिएगा, बताइए किसने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है? 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमित जी, ये कहा है किन्होंने, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प है, मुक्तिबोध ने, मुक्तिबोध आप सभी का सही आंसर है, त्रिलोचन को अवध का किसान कवि मुक्तिबोध जी ने कहा है, विकल्प नंबर दो आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, त्रिलोचन की रचनाओं का सही अनुक्रम आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा अनुक्रम क्या होगा आप सभी का सही आंसर, कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर है? रचनाएं देख लेते हैं, दिगंत है, धरती है, तुम्हें सौंपता हूं और अर्घान, ये चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर कि सबसे पहले 31वां क्वेश्चन दिया है, 31 में आप सभी के लिए बता दें, सबसे पहले धरती रचना आएगी, धरती 1945 इसका प्रकाशन है, उसके बाद बात करें दिगंत, दिगंत जो है 1957 इसका प्रकाशन है, अर्गान की बात करें, अर्गान इसका प्रकाशन क्या माना जाता है 1984, और तुम्हें सौंपता हूं इसका प्रकाशन क्या माना जाता है, तो मैं सौंपता हूँ 1985 इसका प्रकाशन माना जाता है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 है, गीरांगी राघव की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, चयन करिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 32, 32 में आप सभी के लिए चयन करना है, गुलाब और बुलबुल, अजय खंडहर, मेधावी या पांचाली, 32 का सही आंसर रांगी राघव की रचना नहीं है, बताइएगा कौन सी नहीं है, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर रांगी राघव की रचना नहीं है, तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है, गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गुलाब और बुलबुल जो है त्रिलोचन की रचना मानी जाती है, ये रांगी राघव की रचना नहीं मानी जाती, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका बी वाला ही विकल्प है सही आंसर, धरती दिगंत अर्गान तुम्हें सौंपता हूं, बी वाला ही विकल्प जो है सही आंसर होगा, यहाँ पर बी वाला ही विकल्प आप सभी का सही आंसर है। और
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 33वां क्वेश्चन है, शिव मंगल सह सुमन जो है इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए बताना है। शिव मंगल सह सुमन, बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। शिव मंगल सह सुमन की रचनाओं का सही अनुक्रम यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये चयन करना है। बताइएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाँ कल्पना जी, तो देखिएगा यहाँ पर ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है। शिव मंगल सह सुमन की रचना में ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है। युग का मूल और पहले सृजन, मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा, ये वाला विकल्प यहाँ पर देखिएगा। युग का मूल 1945 इसका प्रकाशन है, पहले सृजन 1950, मिट्टी की बारात 1972 और वाणी की व्यथा 1980, ये इनका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो ये वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। किस आलोचक ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है, बताइएगा कौन है वह, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रामविलास शर्मा, नामवार से डॉक्टर बच्चन से या सुमन राजे, चयन करिएगा। साधना जी, अंजू जी, क्या है सही आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया। प्रियंका जी, क्वेश्चन नंबर 34 में बताना है कि सालोचक ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। निशा जी, सभी लोग बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बात है नहीं करना यहाँ पर, यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है डॉक्टर बच्चन से। सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कलकत्ते का अकाल और चल रही कोदाली, किसकी प्रसिद्ध रचनाएं कविताएं मानी जाती हैं। 35 में बताना है, त्रिलोचन, शिवमंगल सह सुमन, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। कलकत्ते का अकाल और चल रही कोदाली किसकी प्रसिद्ध कविताएं मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 45 में, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि शिव मंगल सह सुमन जी जो है उन्हीं की रचनाएं मानी जाती है। विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, शिव मंगल सह सुमन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है कि 36 में आप सभी के लिए बताना है, निम्नलिखित में से नागार्जुन जी की प्रथम कविता कौन सी है। नागार्जुन जी जो है इनकी प्रथम कविता राम की प्रति, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद या फिर कालिदास। 36 में सही आंसर चयन करना है, नागार्जुन जी की प्रथम कविता आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। नागार्जुन जी की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है, चयन करिएगा सभी लोग। अनवी जी और राखी जी आप सभी का सही आंसर है, राम की प्रति। कौन सी मानी जाती है नागार्जुन जी की प्रथम कविता, राम की प्रति, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राम की प्रति आप सभी का सही आंसर होगा। नागार्जुन जी की रचना यहाँ पर दी गई है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा, बताइए। भस्मान कौर, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली युगधारा, ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा, नागार्जुन जी की रचनाओं का सही अनुक्रम में तो सबसे पहले युगधारा रचना आएगी, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें और भस्मानकुर। विकल्प नंबर सी सही आंसर, युगधारा 1953 और सतरंगी पंखों वाली 1958, प्यासी पथराई आंखें 1962 और 1971 इसका माना जाता है प्रकाशन भस्मानपुर का 1971। तो ये जो है सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का पाठक जी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, रश्मि जी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 38, नागार्जुन जी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने या फिर तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, फूल नाम है एक। 38 में चयन करिएगा कौन सा विकल्प सही आंसर है। सुषमा रानी जी,
निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना नहीं बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर कौन सी नहीं है ये चयन करना है। 38 में आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा फूल नाम है एक। फूल नाम है एक त्रिलोचन की रचना मानी जाती है, नागार्जुन की रचना नहीं है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 39वां क्वेश्चन है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं बताइए। हाँ, कल्पना त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया सुनील जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है क्या होगा सही आंसर। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, ये बताना। ये जो रचनाकार, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं, किन की प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पर। चयन करिएगा नागार्जुन, या फिर यहाँ पर नागार्जुन है, केदारनाथ है, अग्रवाल है, त्रिलोचन, सुमंगल से सुमन, तो आप सभी का सही आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, केदारनाथ अग्रवाल आपका सही आंसर होगा। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगी राघव, सुमंगल से सुमन। 40 में सही आंसर बताना है, बताइएगा। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूं उस रवि का, किस रचनाकार की पंक्तियां मानी जाती है। तो 40 का सही आंसर आप सभी का क्या होगा ये बताना है, तो आप सभी का पुष्पराज जी सही आंसर है। नागार्जुन जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन जी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 41 है, रामधारी सिंह दिनकर के जन्म एवं निधन वर्ष आप सभी के लिए बताना, इनका जन्म कब हुआ था और इनका निधन कब हुआ था। किनका ना, रामधारी सिंह दिनकर जी का, अरुण जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 में बताना है। 41 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 41 में बी वाला विकल्प, 1908 में इनका जन्म हुआ था, 1974 में इनका निधन हो गया था। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना यहाँ पर दी गई है, जिनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही काल अनुक्रम बताना है, आरोही क्रम बताइएगा। यहाँ पर रचनाएं दी गई ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चयन करना है, 42 में आप सभी का सही आंसर क्या है। सभी लोग ये वाला विकल्प बता रहे हैं कि यहाँ पर रेणुका जो है 1935 उसका प्रकाशन है, ओंकार 1939, रसवंती 1940 और कुरुक्षेत्र 1946, ये सभी रचनाएं दिनकर की मानी जाती हैं। और बिल्कुल सही, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दिनकर की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, दिल्ली, या फिर उर्वशी, विंध्य हिमालय, या फिर आत्मा की आंखें। देखिएगा यहाँ पर अपन ने दिल्ली भी पढ़ी, उर्वशी भी है दिनकर जी की रचना, और आत्मा की आंखें, ये तो ये भी मानी जाती है। आत्मा की आंखें याद रखिएगा, आत्मा की आंखों से दिन में देखना है, आत्मा की आंखों से दिन में देखना है, तो दिन से दिनकर की रचना है, दिल्ली भी दिन में जाना है, तो ये सभी दिनकर की रचना। लेकिन विंध्य हिमालय ये रचना जो है सुमंगल सह सुमन की रचना मानी जाती है। किनकी, सुमंगल सह सुमन की रचना, विंध्य हिमालय। क्वेश्चन आपके यहाँ पर 44 है, नहीं होती कभी भी कविता खत्म, नहीं होती कभी भी कविता खत्म नहीं होती, कि वह आवेग त्वरित कालयामी है, ये किसकी उक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 दिया गया है, बताइएगा। नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, या फिर रांगी राघव, क्या होगा सही आंसर कंचन जी। 44 में प्रियंका जी आप सभी का सही आंसर है, कृष्णा जी 44 में आप सभी का सही आंसर है, मुक्तिबोध जी की उक्ति मानी जाती है। किनकी, मुक्तिबोध, याद रखिएगा। 80 वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, किस रचनाकार को छायावादोत्तर कविता का पंत कहा जाता है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सुमंगल सेन सुमन, या त्रिलोचन, किस रचनाकार को छायावादोत्तर कविता का पंत कहा जाता है।
वह रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन से वह रचनाकार हैं बताइएगा, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन करिएगा सभी लोग। प्रिया जी बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर 45 में भी होगा सही आंसर, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी को जो है छायावादोत्तर कविता का पंत कहा जाता है। भूमिजा लंबी कविता के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर दिया गया है। आज का चैलेंज प्रश्न होगा भूमिजा। भूमिजा एक लंबी कविता मानी जाती है, नागार्जुन या फिर सुमंगल सहस्रनाम, दिनकर या त्रिलोचन, किन की रचना मानी जाती है, ये लंबी कविता मानी जाती है। 46 का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है, ये मात्र 200 रुपए की पीडीएफ थी, लेकिन अभी 100 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएगी। 9399553966 नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप संपर्क करिएगा, ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। 3000 प्रश्न की वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इसमें, और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी जिनके लिए परचेस करना है, एक बार संपर्क अवश्य करें, 299 रुपए की वह पीडीएफ होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अनवी जी, प्रमोद जी, आनंद जी, लाइक शेयर करते जाइएगा वीडियो को। सावित्री जी, पारो जी, कंचन जी, ओम पाठक जी, अर्चना जी, सुनैना जी और आनंद जी, भावना जी, सावित्री जी, निशा जी, प्रियंका जी, कल्पना जी, अंतिम जी, अमित जी और MS वर्मा जी, कंचन जी, MS वर्मा जी के बाद और यहाँ पर हैं स्मित जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, तनु जी, पुष्पराज जी, सावित्री जी और अंजलि जी, पारो जी, रश्मि जी, नीरू जी, प्रमोद जी, आनंद जी, मेधा जी, अमित जी, कल्पना वर्मा जी, अंतिम जी, पाठक जी, पंकज जी, तनु जी, प्रियंका जी, सावित्री जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 9:10 पर एक क्लास होती है, प्रीति जी, दीपक जी, सभी लोग उसमें भी जुड़ेंगे। साधना जी, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। कंचन जी, जय हिंद।